हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि 1-2 शिफ्टिंग। वो कार्बो अल्काइल की हो सकती है और हाइड्रोजन की भी हो सकती है। तो जो कार्बोकैटायन होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो रीअरेंजमेंट करके अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करा सकता है। ये वो अपनी जो भी कंपाउंड है उसके रीअरेंजमेंट करके उसको एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो रीअरेंजमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है या तो हाइड्रोजन के या अल्काइल या एराइल ग्रुप के कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाएं एक एडजेसेंट कार्बन एटम पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की, अगर शिफ्टिंग होती है तो वो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है क्योंकि वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर जा रहा है, तो 1-2 पे जाएगा तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और अगर अल्काइल या एराइल ग्रुप जाए तो 1-2 अल्काइल और एराइल शिफ्टिंग। तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ओरिजिनल कार्बोकैटायन से। जैसे कि हम एग्जांपल सेट करने वाले हैं कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग में एक्चुअल में होता क्या है। ये जो कंपाउंड है आप देख पा रहे हैं CH3CH CH2 पॉजिटिव चार्ज ऑन एंड दैट H। तो जो एन प्रोपाइल कैटायन जो आपको दिख रहा है उसमें आप देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन है, ये अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2-3 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट एटम। तो जो फॉर्मेशन होगी यहाँ प्रोडक्ट की वो आइसोप्रोपाइल कैटायन ये हो गया, यानी ये 1 डिग्री था और सेकंड वन होगा वो 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बोकैटायन था वो कौन सा कार्बोकैटायन था, वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, एन प्रोपाइल कैटायन था। और सेकंड वन जो आपको बन रहा है वो कौन सा कैटायन है, 2 डिग्री यानी कि आइसोप्रोपाइल कैटायन है। वो पहले वाला कम स्टेबल है सेकंड वाले से, और जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से क्योंकि उसने शिफ्टिंग कर ली है अपनी और वो ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि वो 2 डिग्री है। और हमने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन जो होता है वो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, पहले वाला 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल कैटायन। सो जो पहले वाला है वो कम स्टेबल होगा और जो 2 डिग्री हमारा बना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम शिफ्टिंग करके जो कार्बोकैटायन हमारे पास ऑलरेडी है उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हम दे सकते हैं शिफ्टिंग के थ्रू। जो सेकंड शिफ्टिंग हो रही है वो अल्काइल शिफ्ट होती है, 1-2 अल्काइल शिफ्ट। अगर पूरी की पूरी अल्काइल जो R है ग्रुप है वो रीअरेंज हो जाए तो वो अल्काइल शिफ्टिंग होती है। और मेनली जो एटम जो ग्रुप है जो ग्रुप ऑफ एटम रीअरेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट हम उसको नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ से शिफ्ट होगा अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, देन यहाँ और यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगी CH3CH2 इसके साथ CH3 अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। आर ग्रुप इस साइड अटैच है, आर ग्रुप इस साइड और आर ग्रुप इसी साइड अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास आ गया। और ये पहले कितना था, 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन एटम से जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे एक ही कार्बन अटैच है, सो इसलिए ये पॉजिटिव ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। जो सेकंड वन हमारा बनता है प्रोडक्ट में वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया है। अगर हम एक और एग्जांपल सेट करना चाहें इस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को लेकर तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो हमारा सिंथेसिस के टाइम पे जो यूरिया था, यूरिया का जब हमने सिंथेसिस किया लेबोरेटरी में डायरेक्ट एक कंपाउंड से किया था, हमने यूरिया का सिंथेसिस किया था वॉलर प्रोसेस से, वॉलर ने किया था लेबोरेटरी में, तो इसको वॉलर सिंथेसिस भी बोला जाता है ऑफ
यूरिया। तो इस ये सिंपल एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको। एक्चुअल में इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही हुई है, जो हमारा NH4CNO कंपाउंड जो है इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट से यूरिया, हम यूरिया की हमारी फॉर्मेशन हुई। तो वो कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये था NH4CNO, जब आप कोई हीट करोगे इसे तो NH3+ ये हो जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे कार्बन एटम के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर आ जाएंगे। फर्दर यहाँ से करें तो OH डायरेक्ट अटैच हो जाएगा यहाँ NH3 और N, नेगेटिव चार्ज एंड दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन ही शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे ये जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार बॉन्ड बनाए हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि दो बॉन्ड बनाए हैं। इसके बाद यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा NH3 से यहाँ से यहाँ, तो ये बन जाएगा OHC डबल बॉन्ड NH2। उसके बाद 1-3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी हो सकती है, यानी कि टोटोमेराइजेशन होगा, प्रोटोमेराइज यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर टोटोमेराइज होके क्या बना देगा CO NH2। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया यूरिया। सो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट था उस ये एक सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हमने इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। इसका पूरा प्रोसेस है, NH3 हीट करेंगे तो NH3 और CNOH बाहर निकलेंगे, तो NH3 है इसके इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे कार्बन एटम के ऊपर, और ये बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद ये अटैच होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि चार बॉन्ड बनाए हैं, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज इसका बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर यह हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया, यानी कि प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया, तो OHC यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, तो NH2। उसके बाद टोटोमराइज होगा, 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे यूरिया बन जाएगा CO NH2 CO NH2 जो भी आप बोलना चाहें, यूरिया की फॉर्मेशन होगी। तो सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो अल्काइल के रूप में भी हो सकती है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग में भी हो सकती हैं। सो ये पूरा प्रोसेस है हमारी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस का। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कार्बन आयन, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि सभी स्टूडेंट्स जो अभी इस सिलेबस को पढ़ नहीं पा रहे हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें बाय मी एंड बाय अदर चैनल, नो मैटर। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर।